तेरी मेरी मेरी तेरी कहानी आज हर किसी की जुबान पर है। यह गाना जब हिमेश रेशमिया ने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया तो रातों रात इस तरीके से ट्रेंड में आ गया कि सबके दिलों में बैठ गया और रानू मंडल को हर कोई जानने लग गया। उनकी खबरों को सुनने के लिए हर कोई बेताब होने लगा। रानू मंडल के बारे में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। रानू मंडल को अब हर कोई जानता है क्योंकि वो एक बॉलीवुड स्टार बन गई हैं। लेकिन इससे पहले उन्हें कौन जानता था कि रानू मंडल जो है जो स्टेशन पर गाना गाती हैं और जो क्लबों में गाना गाती हैं वो एक दिन स्टार बन जाएंगी और बॉलीवुड के लिए गाना गाएंगी। हिमेश रेशमिया ने आने वाली फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर का एक गाना रिकॉर्ड कराया। इसके बाद हिमेश इतना मेहरबान हो गए कि उन्होंने दूसरा गाना भी रिकॉर्ड करवा लिया है जिसे हिमेश ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। वीडियो शेयर करते हुए हिमेश ने लिखा, तेरी मेरी मेरी तेरी गाने के ब्लॉकबस्टर हिट के बाद रानू मंडल से हैप्पी एंड हीर का एक और गाना आदत रिकॉर्ड करवाया गया। ये गाने का एक छोटा सा वीडियो है। इतने प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि इस वीडियो में हिमेश कुछ लाइंस बोलते नज़र आते हैं और रानू सिर्फ आलाप रही हैं। तो देखा आपने किस तरीके से रानू मंडल अब दिनों दिन काफ़ी फेमस होती जा रही हैं, उनकी स्टार बन गई हैं और हर कोई रानू मंडल के बारे में जानना चाह रहा है। और हम इस रानू मंडल से जुड़ी खबर बताएंगे, उसी में से एक खबर अभी हम बताने जा रहे हैं। रानू मंडल के बारे में एक खुलासा हुआ है। रानू मंडल का जो वीडियो पहले बनाया गया था रेलवे स्टेशन पर, वो पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले इंजीनियर अतीन्द्र ने बनाया था और वो इस समय मुंबई में रानू मंडल के साथ हैं। और उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है उनके बारे में। अतीन्द्र ने बताया कि उनकी दो शादियां हुई थीं। पहला पति पश्चिम बंगाल का ही था जो रानू का ध्यान नहीं रखता था। महज 20 साल की उम्र में रानू आसपास के क्लबों में गाना गाती थी जो उनके पति को बिल्कुल नहीं पसंद था। पति के लिए रानू ने गाना भी बंद कर दिया था। इसके बावजूद उसने रानू को छोड़ दिया। पहले पति से रानू को एक बेटा और एक बेटी हुई। पति के छोड़ने के बाद रानू के पास कोई सहारा नहीं बचा तो वो मुंबई पहुंच गईं, जहां काफ़ी भटकने के बाद उन्हें फिरोज खान के घर नौकरी मिली। यहीं पर उनकी मुलाकात बबलू मंडल से होती है जिन्होंने उनसे शादी कर ली। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और इस तरह 2003 में ही उनके पति की असमय मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद रानू फिर से पश्चिम बंगाल लौट आती हैं और उसके बाद गाना गा करके भीख मांगती हैं। और इस तरह से उनके इस पति से एक बेटा और बेटी हैं बबलू मंडल से। और रानू की पॉपुलैरिटी के बाद जिस तरह से देखने में आ रहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी जिस तरीके से बढ़ी, उसके बाद उनके पहले पति से जो बेटी थी वो भी मिलने पहुंचती है। चूँकि 10 साल पहले उनकी बेटी उन्हें छोड़कर चली गई थी जब वो भीख मांगने लगी थी। और चूँकि रानू की मानसिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उन्हें और पैनिक अटैक से पीड़ित हैं, इस वजह से उनको हर कोई छोड़ दिया था और वो भीख मांग करके ही गुजारा करती थी। तो रानू मंडल की इस तरह से बहुत सारी सच्चाइयाँ उनके बारे में दिन प्रतिदिन आते रहे हैं जिसे हम दिखा रहे हैं आपके सामने। और आगे भी हम रानू मंडल के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। देखते रहिए फोरम फोर। मैं प्रभात, तब तक के लिए शुक्रिया।